माय चैनल मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे डेबिट नोट सेक्शन 34 3 4 के अंदर आएगा जीएसटी यूनिट सेकंड के मेरे हैंडमेड नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था क्रेडिट नोट 102 सेक्शन के अंदर आता है वो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। डेबिट नोट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। डेबिट नोट इज ए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज इशूड टू डील विद सिचुएशन। वो एक सिचुएशन को डील करने के लिए इशू किया जाता है। व्हेन टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इज दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस। जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो टैक्स चार्ज किया है वो लेस हो टैक्स इनवॉइस से, डेबिट नोट इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी। डेबिट नोट क्या करता है, इंक्रीज करता है टैक्स लायबिलिटी को। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो होता है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है टैक्स लायबिलिटीज को रजिस्टर्ड पर्सन की। बट जो डेबिट नोट क्या करता है, इंक्रीज करता है टैक्स लायबिलिटी को। फॉलोइंग आर द प्रोविजन रिलेटेड टू डेबिट नोट इन जीएसटी लॉ। इसके अंदर क्या है, इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। डेबिट नोट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा टैक्स लायबिलिटीज जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी। इशू इन सिचुएशन, किस सिचुएशन के अंदर इसको इशू किया जाता है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज टैक्स इनवॉइस, अगर वो लेस हो टैक्सेबल वैल्यू से जो हमने पे की है। और डिक्लेरेशन कब होती है, डिक्लेरेशन ऑफ द डिटेल ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ, जो हमारे मंथ के अंदर रिटर्न आता है ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज बीन इशूड। जो हमने डेबिट नोट इशू किया और उसके अंदर जो हमें रिटर्न मिलता है उस मंथ के अंदर, तो तब हम जो हमारा डेबिट नोट होता है उसको इशू करते हैं। इसके बाद सिचुएशन हमने बताइए, सिचुएशन कब इशू किया जाता है डेबिट नोट के अंदर, सेक्शन 34 3 के अंदर, द रजिस्टर पर्सन शैल इशू टू द रिसिपेंट्स ऑफ अ डेबिट नोट इन सिचुएशन वेयर अ टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एंड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इज दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी अ लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इज रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। जब एक सिचुएशन के अंदर जो हमारा टैक्स इनवॉइस है वो कम है जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है उससे, उस टाइम पे हम डेबिट नोट को इशू करते हैं हमारी जो टैक्स लायबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज करने के लिए। हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ कम दिखा रखी हैं, जो हमारे टैक्सेबल वैल्यू है वो कम दिखा रखे है हमारी टैक्स इनवॉइस से, तो टैक्स जो हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज करने के लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं। इसके बाद है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न। रिटर्न कब किया जाता है, डिक्लेयर कब किया जाता है रिटर्न के अंदर, सेक्शन 34 4 के अंदर आएगा ये। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशू अ डेबिट नोट इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शैल बी डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच डेबिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज बीन इशूड एंड द टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो टैक्स लायबिलिटीज़ हैं वो उस मैनर के अंदर उसको इशू किया जाए। और जब हम जो हमारा बोथ शैल बी डिक्लेयर, जब हमने सप्लाई एंड गुड्स जो भी हैं वो हमने डिक्लेयर कर दी हैं, डिटेल डिक्लेयर कर दी है, तब हम डेबिट नोट जो है इन द रिटर्न फॉर द मंथ, जो हमारा रिटर्न आया है मंथ के अंदर ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट एज इशू, जब हमने जो हमारा डेबिट नोट है वो इशू किया है, तो उस टाइम पर जो हमारी टैक्स लायबिलिटी वो एडजस्ट करने के लिए हम डिक्लेयर करते हैं डेबिट नोट को। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे ई वे बिल्स एंड अंडर जीएसटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई वे बिल्स अंडर जीएसटी, क्वेश्चन पूछा गया है पिछले जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर। आज की वीडियो छोटी इसलिए है क्योंकि मैं अभी आज डाली है डे 29 जो हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के लिए। अब मैं सीरीज स्टार्ट करूँगी 1 सेप्टेम्बर से, एक सितंबर से मैं सीरीज स्टार्ट करूंगी कोई भी कॉमर्स के सब्जेक्ट की जो हमारे बीकॉम के अंदर आते हैं। बीकॉम का कोई भी सब्जेक्ट जो आप मुझे कमेंट पे बताओगे, अगर आप कमेंट पे बताते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग, आज अगर आप बताओगे मुझे तभी तो मैं उसके आगे प्रिपेयर कर पाऊंगी भाई मैं कितने दिन की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोग नहीं बताते हो तो फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट की बीकॉम का उठा के, जो हमारे रहते हैं 10 सब्जेक्ट तो हम कर चुके हैं, 10 के अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट हमारे रहते हैं, कम से कम 36 सब्जेक्ट हैं मैंने कैलकुलेट किए थे। तो अगर आप बताते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं बताते हैं तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए मैंने उस सीरीज़ की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, दैट्स वाई आज की वीडियो छोटी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।